बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी ग्रेड फोर क्लास फोर की मैथ्स की इस बुक से अपने एक्सरसाइज नंबर 1.7 की मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन नंबर 5 को हम अपना सॉल्व करने जा रहे हैं। सो अब हमारे पास मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है आपके पास 1.7 में क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने मल्टीप्लाई करना है मेरे साथ, देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, मतलब 15 का 5 वन आपने 5 के साथ कैरी कर दिया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 5 फाइव 5, 5 टू 10, 5 फाइव 50, 5 फोर 20 और 5 फाइव 25। तो 25 और ये कैरी जो 1 है ये कितना हो गया 26। तो 6 यहाँ पे 2 ऊपर 4 के साथ कैरी। अब आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 फाइव 5, 5 टू 10, 5 थ्री 50 और 5 फोर 20। 20 में ये 2 ऐड कर दे, 21, 22 कितना हो गया 22। 2 इधर, 2 ऊपर, फिर 1 के साथ आप कैरी कर दे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 वन ज़ा 5, 5 में ये 2 ऐड कर दे कितना होता है 7, कितना होता है 7। और 5 टू ज़ा कितना होता है आपके पास 5 टू ज़ा 10। शाबाश। अब आप एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। अब 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 थ्री ज़ा 9, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फाइव ज़ा 15, 15 का 5 1 ऊपर आपके पास कैरी। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेबल आनी चाहिए, ठीक है। 3 फोर ज़ा 12, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12, 12 में ये वाला 1 कैरी कितना हो गया 13, 13 का 3 फिर 1 ऊपर कैरी, ठीक है। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 3 वन ज़ा 3 और ये 1 कितना होता है 4, 3 वन ज़ा 3 और 1 4, और 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6। अब आप क्या करें, 2 मल्टीप्लाई लगाएं, एक का साइन, क्योंकि देखिए 2 हो गए, इसी 2 मल्टीप्लाई का साइन लगा के अब आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 थ्री ज़ा 3, 1 1 फाइव ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, सबको प्लस करें, सम करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, 5 में कुछ प्लस नहीं किया तो सिंपल 5, 6 में 9 प्लस करते हैं 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना आता है 15, 15 का 5 1 ऊपर आपके पास कैरी। अब आप क्या करें, सबको प्लस करें, 2 में 1 प्लस करें 3, 3 में 5 प्लस करें 8, 8 में 3 प्लस करें 9, 10, 11, 11 का 1, 1 ऊपर फिर आपका 7 सा कैरी। 7 में 1 प्लस करें 8, 8 में 3 प्लस करें 11, 11 में 5 प्लस करें 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना हो गया 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 3 प्लस किया 9, 10, 11, 11 में 5 प्लस किया 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना हो गया 16, 16 का 6, 1 आपका ऊपर कैरी। अब ये देखें, 4 में 1 प्लस करें 5, 5 में 4 प्लस करें कितना आता है आपके पास 9। शाबाश बच्चों। अब आपने 6 में 1 प्लस किया 7 और 7 में 1 प्लस किया तो 8 और ये 2 एज इट इज, क्योंकि 2 से कुछ प्लस करने की ये नहीं है। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये बच्चों की समझ आया होगा। अगली क्लास में हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। अब तक के लिए बच्चों इतना ही, आप लाजमी घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।